नमस्कार, आप सबकी कुशलता चाहते हैं और आज का ये प्रेडिक्शन है 14 अप्रैल 2023 के बारे में। दैनिक नक्षत्र राशिफल 14 अप्रैल 2023 के बारे में। प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। जय गणेश ऑल डियर फ्रेंड, मैं हूँ नरेश खत्री, एस्ट्रोलॉजर, अहमदाबाद गुजरात से, और नक्षत्र बेस राशिफल में आप सबका स्वागत है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो हर दिन महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आज का विशेष महत्व इसलिए है कि सूर्य ग्रह जो है ये राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य जो कि अभी मीन राशि में चल रहे हैं, ये प्रेडिक्शन हम अभी 13 अप्रैल को दोपहर में 12:30 बजे ये प्रेडिक्शन हम शूट कर रहे हैं 13 तारीख को। 14 को कल दोपहर में 3:01 को सूर्य राशि परिवर्तन करके मीन राशि में से चलेंगे मेष राशि के अंदर, तो इसको बोलेंगे मेष संक्रांति। तो मेष संक्रांति जो होती है ये अप्रोक्सीमेटली अप्रैल महीने में आती है। एवरी ईयर 14-15 अप्रैल के आसपास सूर्य मेष राशि में भ्रमण स्टार्ट करते हैं, और गुजराती महीना जो है अप्रोक्सीमेटली चैत्र महीना ही रहता है। तो पंचांग आज का इस प्रकार है। विक्रम संवत 2079, ये 14 अप्रैल की हम बात कर रहे हैं प्रेडिक्शन। पंचांग इस प्रकार है, विक्रम संवत 2079 चैत्र मास की जो तिथि है ये वद पक्ष की 9वीं तिथि होगी, शुक्रवार। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा है, सुबह 9:16 तक। उसके बाद नक्षत्र श्रवण होगा, योग सिद्ध, करण तैतिल और चंद्र राशि मकर है। अब जो प्रेडिक्शन है आज श्रवण नक्षत्र का ही करेंगे, क्योंकि सुबह 9:16 को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र समाप्त होता है और श्रवणा नक्षत्र स्टार्ट होगा, और जो क्रांति होगी सूर्य क्रांति ये श्रवण नक्षत्र में होगी, जब चंद्र का नक्षत्र श्रवण होगा। और जैसे हर प्रेडिक्शन में बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लव रिलेशनशिप के बारे में, मेल फीमेल रिलेशन के बारे में, तो सूर्य अश्विनी नक्षत्र में जो चलेंगे ये दोपहर में 3 के बाद थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रिलेशनशिप होने की संभावना क्रिएट करते हैं। मेल फीमेल रिलेशन विल बी सम स्ट्रेसफुल। तो एवरी पर्सन हु आर इन लव रिलेशनशिप, हु आर मैरिड, दे हैव टू टेक केयर इन रिलेशनशिप विथ पार्टनर। तो वाणी व्यवहार में कुछ प्रॉब्लम ना हो उसका खास केयर करना होगा। सूर्य जो चलने वाले हैं मेष राशि के अंदर, ये मीन राशि के लिए धनस्थान में चलेंगे, तो आपको धन की प्राप्ति होगी। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में है। चंद्र की राशि जो है मकर है, श्रवण नक्षत्र है। मंगल अभी आद्रा नक्षत्र में चल रहे हैं मिथुन राशि के अंदर, और बुध का नक्षत्र भरणी है मेष राशि है, गुरु रेवती नक्षत्र में है 22 अप्रैल तक मीन राशि में, शुक्र वृषभ कृतिका है, शनि शतभिषा है कुंभ राशि, राहु अश्विनी नक्षत्र का 4th चरण और केतु स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में है। तो ये ग्रहों की परिस्थिति है। और मकर का चंद्र जो है श्रवण नक्षत्र का, ये मेष राशि वाले जातकों के लिए चंद्र जो है ये 10वें स्थान के अंदर है, अश्विनी वाले जातकों के लिए एक सैम तारा है, भरणी के लिए विपत नक्षत्र है, कृतिका के लिए मित संपत नक्षत्र है, मेष कृतिका के लिए। फिर भी
योनि दोष बनता है। कृतिका और पुष्य के साथ जो इस चंद्र है श्रवणा का, इसका योनि दोष बनता है। तो योनि दोष के कारण आप बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि अश्विनी को छोड़कर भरणी और कृतिका वाले जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा कंफर्ट जोन नहीं रहेगा। वृषभ कृतिका के लिए भी भाग्य स्थान के चंद्र है लेकिन कंफर्ट जोन नहीं है योनि दोष के कारण। और वृषभ रोहिणी के लिए जन्म नक्षत्र होगा, वृषभ मृगशिरा के लिए अति मित्र नक्षत्र होगा। तो मृगशिरा वाले जातकों के लिए सबसे ज़्यादा सुफल होगा क्योंकि भाग्य स्थान में चंद्र आपके अति मित्र नक्षत्र में है। अति मित्र माने मोर फ्रेंड, जो आपके एकदम क्लोज मित्र होते हैं तो वो आपके लिए एक हेल्प करने वाले होते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्र अष्टम स्थान में है, पारिवारिक समस्या क्रिएट करने की संभावना क्रिएट करते हैं। मिथुन मृगशिरा के लिए अति मित्र नक्षत्र है, मिथुन आद्रा के लिए ये मित्र नक्षत्र है लेकिन मिथुन पुनर्वसु के लिए ये वध नक्षत्र है। तो सबसे ज़्यादा अशुभ फल मिलेगा जिनका जन्म मिथुन मृगशिरा में है, सॉरी मिथुन पुनर्वसु में है। पुनर्वसु के लिए ये वध नक्षत्र रहेगा। तो श्रवणा आपका और आद्रा वाले भी अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे योनि प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि आद्रा की जो योनि है ये श्वान योनि है और श्रवणा नक्षत्र में जो चलने वाले चंद्र है इसकी वानर योनि है। तो ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं जिसके कारण पारिवारिक मामलों को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर स्ट्रेसफुल रहेंगे आद्रा वाले भी। पुनर्वसु के लिए भी ठीक नहीं है। कर्क पुनर्वसु के लिए चंद्र सप्तम स्थान में है लेकिन वध नक्षत्र में है, तो पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में तनाव बढ़ सकता है। पुष्य के लिए भी ठीक नहीं है क्योंकि आपके लिए योनि दोष, पावरफुल योनि दोष बनता है। वैसे तारा चक्र से आपका नक्षत्र साधक है लेकिन योनि दोष के कारण आप भी अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। और आश्लेषा के लिए प्रत्यारी नक्षत्र है तो आपका पार्टनर के साथ भारी ओपोजिशन होने की संभावना रहती है। तो ट्रांजिट बोले तो सिंह राशि के लिए चंद्र जो है वो सिक्स्थ हाउस में होंगे। मघा के लिए एक सैम तारा है, पूर्व फाल्गुन के लिए विपद है। साथ में काम करने वाले जो है सहकर्मचारी गण, इनके साथ कुछ तनाव आ सकता है। आश्लेषा उत्तर फाल्गुनी के लिए इसका फल एक्सीलेंट होगा क्योंकि आपके लिए संपत्ति नक्षत्र में सिक्स्थ हाउस में, तो साथ में काम करने वाले जो सहकर्मचारी गण हैं ये आपको सपोर्ट करेंगे और आपके लिए बहुत सुपर फल मिलने वाला है। कन्या उत्तर फाल्गुनी के लिए पंचम स्थान में चंद्र पूर्व जन्म के या इस जन्म के कर्मों को उजागर करने वाले हैं, आपके लिए भी दिन एक्सीलेंट रहने वाला है। कन्या हस्त के लिए मध्यम है, कन्या चित्रा के लिए अति मित्र नक्षत्र है। फिर भी कन्या राशि वाले तमाम जातकों के लिए आज का दिन पंचम स्थान के चंद्र आपको लाभ करने वाले हैं, मित्रों से स्त्री मित्रों से आपको लाभ रहेगा। तो तुला वाले जातकों के लिए फल क्या होगा? तुला वाले जातकों के लिए चंद्र चौथे स्थान में चलने वाले हैं। सुख स्थान में चलने वाले चंद्र शुभ फल देने वाले नहीं हैं, शुभ परिणाम देने वाले नहीं हैं। तो यू शुड बी टेक केयर इन रिलेशनशिप विद मदर फादर, जॉब में अपर लेवल, ये सब के साथ केयर करना होगा। और तुला चित्रा के लिए ये अति मित्र नक्षत्र है, तुला स्वाति के लिए मित्र है लेकिन तुला विशाखा के लिए ये वध नक्षत्र है। तो जिनका भी जन्म हुआ है विशाखा नक्षत्र में ये जातकों को सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा रिलेशनशिप में, माता के साथ, पिता के साथ, जॉब में अपर लेवल के साथ, ये सब जगह पर केयर करना होगा। वृश्चिक विशाखा के लिए चंद्र पराक्रम भुवन में वध नक्षत्र में भाई बहन या नेबर्स के साथ रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है। वृश्चिक अनुराधा के लिए ये नक्षत्र जो है साधक नक्षत्र है, यात्रा प्रवास ट्रैवलिंग आपको बेनिफिट करने वाला बन सकता है। वृश्चिक ज्येष्ठा के लिए प्रत्यारी है, भाई बहन या नेबर्स के साथ आपका ऑपोजिशन हो सकता है। धनु राशि के लिए चंद्र धन भाव के अंदर है, मकर राशि में है, तो पारिवारिक मामलों को लेकर फाइनेंशियल मैटर को लेकर तनाव ना बढ़े उसका क्या करना होगा।
धनु में मूला वाले बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे क्योंकि सेम तारा है, फिर भी इस योनि कॉन्फ्लिक्ट के कारण, योनि के विरोध के कारण आप बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे पारिवारिक मामलों को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर। धनु पूर्वाषाढ़ा के लिए ये प्योर विपत्ति नक्षत्र है और उत्तराषाढ़ा के लिए ये संपत्ति नक्षत्र है। तो धनु राशि में मात्रा और मात्रा जिनका जन्म उत्तराषाढ़ा में हुआ है ये ज्यादा कि आज का दिन का बेनिफिट उठा पाएंगे। और मकर उत्तराषाढ़ा के लिए भी संपत्ति नक्षत्र है, बहुत सुपर फल मिलेगा। मकर श्रवणा के लिए जन्म तारा है तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है। मकर धनिष्ठा के लिए अतिपित्र नक्षत्र है तो मकर राशि वाले तमाम जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। हालांकि मकर के लिए जो सूर्य चौथे स्थान में चलने वाले हैं, आने वाला एक महीने का जो समय है आपको प्रॉपर्टी रिगार्डिंग मैटर में केयरफुल रहना है। रिलेशन में माता पिता, जॉब में अपर लेवल, ये सब के साथ केयर करना होगा। कुंभ राशि के लिए बात करते हैं तो जो चंद्रा है आपके 12वें स्थान के अंदर होंगे। 12वें स्थान में मेरा शूटिंग चल रहा है। नहीं, राशि राशि बताना। हाँ, 2 मिनट का। अच्छा, एक 2 मिनट में फिनिश कर लेते। तो कुंभ राशि के लिए जो चंद्र है ये 12वें स्थान के अंदर है। कुंभ धनिष्ठा के लिए चंद्र 12वें स्थान में है तो आपका खर्च बढ़ने वाला है। यात्रा प्रवास ट्रेवलिंग में आपका खर्च हो सकता है। कुंभ राशि के लिए बात करें तो कुंभ धनिष्ठा के लिए ये अति मित्र नक्षत्र होगा। कुंभ सद्विशा के लिए मित्र नक्षत्र होगा। लेकिन कुंभ पूर्व भाद्रपद में जिनका जन्म हुआ है ये जातकों का कुछ अनएक्सेप्टेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। और मीन राशि के लिए बात करें तो चंद्र 12वें स्थान के लाभ स्थान के अंदर हैं, लेकिन जो मीन पूर्व भाद्रपद हैं ये जातकों के लिए चंद्र वध नक्षत्र में होंगे तो आपको अपने मित्रों के साथ या स्त्री मित्रों के साथ रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है। और मीन उत्तर भाद्रपद के लिए साधक नक्षत्र है, लाभ स्थान में ग्रांड सक्सेस है। मीन रेवती के लिए ये प्रत्यारी नक्षत्र होगा तो आपका ऑपोजिशन होने की संभावना है अपने मित्रों के साथ या स्त्री मित्रों के साथ। तो सूर्य जो अभी 13 दिन चलने वाले हैं अश्विनी नक्षत्र में, ये जो नक्षत्र हैं शनि के 3 नक्षत्र पुष्य अनुराधा और उत्तर भाद्रपद ये जातकों के लिए विपत्ति नक्षत्र में चलेंगे। लेकिन बुध के 3 नक्षत्र वाले जातक हैं जैसे कि अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये जातकों के लिए संपत्ति नक्षत्र में चलेंगे तो आपके लिए आने वाले 13 दिन का समय एक्सीलेंट फल देने वाले होंगे पारिवारिक मामलों को लेकर, फाइनेंशियल मैटर को लेकर, करियर को लेकर, सब जगह पे आपके लिए शुभ काम होने वाला है। तो श्रवणा नक्षत्र जो है आज 14 अप्रैल और सूर्य क्रांति जो हो रही है 14 अप्रैल को, इसका जो पुण्यकाल है दोपहर में 11:30 से लेकर सूर्य अस्त तक रहने वाला है। तो संक्रांति का विशेष महत्व इसलिए है कि संक्रांति काल में हम जो कुछ भी दान पुण्य मंत्र करते हैं इसका विशेष शुभ फल मिलता है और इसमें आप अपने जो इष्ट हैं इनका ध्यान मंत्र करें, पशु पक्षियों को दाना डालें, पानी पिलाएं, क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है, गरीब लोगों में भी पानी का दान कर सकते हैं। और कॉन्स्टेंट मंत्र करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर आप महादेव का भी मंत्र कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय। नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन को एक लाइक का बटन जरूर बनता है और सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा प्रेडिक्शन को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। नमस्कार।